देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून विदा हो चुका है। हालांकि दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार गुजरात और मध्य प्रदेश के बचे हुए हिस्सों में भी मॉनसून विदा ले चुका है। साथ ही विभाग ने जानकारी दी थी कि बारिश का दौर थमने के बाद अब MP में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाने लगी है। इसके अलावा विभाग ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मौसम के लिए स्थिति अनुकूल होती जा रही है। मौसम विभाग की माने तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, तेलंगाना, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में मॉनसून विदा हो गया है। हालांकि उत्तरी अंडमान समुद्र के आसपास के इलाके समुद्र तल से ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। IMD के मुताबिक इसके चलते बुधवार को केरल और माहे के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग का पूर्वानुमान के अनुसार कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरईकल में आज बारिश हो सकती है। साथ ही इन क्षेत्रों में 16 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। खबर ये भी है कि मौसम विभाग ने 12 से लेकर 16 अक्टूबर तक राजधानी दिल्ली में ग्रीन अलर्ट जारी किया है। अनुमान लगाया गया है कि 16 अक्टूबर को गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना के साथ बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा 17 अक्टूबर को बारिश और गरज की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरल के कई हिस्से में मंगलवार को लगातार भारी बारिश होने के कारण नदियां एवं बांधे जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोझिकोड, पलक्कड़, मल्लापुरम और वायनाड जैसे विभिन्न जिलों के लिए 15 अक्टूबर से पहले तक नारंगी और पीले अलर्ट जारी किए हैं। ऑरेंज और येलो अलर्ट क्रमशः मूसलाधार एवं भयंकर वर्षा का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।